पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है, तो मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। देखिए, वो अपनी चमड़ी की बात कर रही हैं, जिस चमड़ी के दम पे वो टिकट लेकर आई और चुनाव लड़ी, वो अपना इतिहास बता रही हैं जनता को कि आज उनकी चमड़ी में दम नहीं रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपना इतिहास बता रही है जनता को कि उन्होंने काम नहीं करा। गद्दार औरत हैं वो, जिन्होंने हर पार्टी में रह के हर पार्टी के साथ गद्दारी करी, आज इस हालात में वो निर्दलीय खड़ी हुई है। और ये जो घड़ियाली आंसू बहा रही है ना, ये अपने ऊपर बहा रही है, अपने हालात के ऊपर बहा रही है, ये जनता के लिए नहीं है आंसू। ये इसलिए परेशान है कि आज ये पागलपन की स्थिति पे उतर आई हैं, और जनता सब जानती है कि इस महिला ने कभी किसी का भला नहीं करा, ये अपनी बिरादरी की नहीं हो सकी तो ये समाज की क्या होंगी। इनके परिवार और के इतिहास के बारे में कुछ छुपा थोड़ी है। आप इनकी बहन बेटियों को देखिए और फिर बात कीजिए कि दूसरों की बहन बेटियों पे किस तरीके से बात करती है।